गुड मॉर्निंग स्टूडेंट. और लास्ट क्लास वी हैव कंप्लीटेड ए टॉपिक दैट इज योर लोकोमोशन एंड व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ लोकोमोशन. सो स्टूडेंट, टुडे वी विल स्टार्ट ए न्यू टॉपिक ऑफ चैप्टर नंबर 8 दैट इज बॉडी मोमेंट्स. यू नो व्हाट इज मोमेंट्स? मोमेंट्स मींस ए चेंज इन द पोजिशन ऑफ एनी पार्ट ऑफ द बॉडी विथ रेस्पेक्ट टू इट्स एक्सिस इज कॉल्ड मोमेंट. ओके, डेफिनेशन. ए चेंज इन द पोजिशन ऑफ एनी पार्ट ऑफ द बॉडी विथ रेस्पेक्ट टू इट्स एक्सिस इज कॉल्ड मोमेंट. स्पेशली दिस टाइप ऑफ डेफिनेशन स्पेशली किसके लिए, किसके अंदर जाता है? स्पॉन्ज, कोरल्स एंड सी एनेमोने. स्पॉन्ज, कोरल्स और सी एनेमोने, ठीक है. ये तीन टाइप का एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो कहां पर रहता है? आपका वाटर में रहता है, आपका सी में, समुद्र में रहता है. ये डेफिनेशन स्पेशली इसके लिए परफेक्ट है. दिस डेफिनेशन स्पेशल परफेक्ट दिस डेफिनेशन सुइटेबल फॉर दिस टाइप ऑफ क्रिएचर. स्पॉन्ज, कोरल, सी एनिमल्स एंड दिस टाइप ऑफ क्रिएचर स्पेशली फाउंड इनसाइड द सी. सो देयर इज अ डायग्राम. सी एनिमल, सी एनिमल क्या होता है? एक लकड़ी या एक पत्थर के ऊपर फिक्स होके रहता है. उसका जो ये पार्ट, ये फूट पार्ट है, फूट, ये पार्ट क्या होता है? फिक्स होके रहता है कोई लकड़ी या पत्थर में. इसका सिर्फ ये पार्ट, ये वाला पार्ट से मूव करता है थोड़ा. अगर मैं सी एनवायरनमेंट हूं, सी एनवायरनमेंट, तो मैं फिक्स हूं, मेरा पैर फिक्स रहेगा, मैं मूव करेगा, मेरा बॉडी सिर्फ ऐसे ऐसे मूव करेगा, हल्का सा ऐसे ऐसे मूव करेगा. मैं एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं सकता, लेकिन मेरा सिर्फ बॉडी ऐसे ऐसे मूव करेगा, इस तरह ऐसे मूव करेगा, ऐसे ऐसे इस तरफ मोमेंट होता है इसमें. मतलब उनका पैर फिक्स है, उनका जो फुट, उनका पैर, लेग्स फिक्स है, एक जगह जा नहीं सकता. नहीं, उनका सिर्फ ये बॉडी पार्ट थोड़ा बहुत इधर उधर हिलते रहता है, इधर उधर मूव करते रहते, इधर से इधर मूव करेगा, इधर से इधर मूव करेगा, इधर इधर मूव होते रहेगा, ठीक है. इस तरह स्पॉन्ज, कोरल, सी एनवायरनमेंट में मोमेंट होता है. और ये डेफिनेशन इनके लिए परफेक्ट मैच है. और स्पेशली मोमेंट मतलब क्या? कोई भी बॉडी पार्ट का पोजिशन चेंज होना, वो हो सकता है, हाथ में हो सकता है. दिस इज ऑल्सो मोमेंट, दिस इज ऑल्सो मोमेंट, दिस इज ऑल्सो मोमेंट, दिस इज ऑल्सो मोमेंट, ये सब नो, ये सभी मोमेंट है. लेकिन ये जो डेफिनेशन है, ये स्पेशली दिस डेफिनेशन, स्पेशली दिस मोमेंट, ये किस ये वाला जो डेफिनेशन, स्पॉन्ज, कोरल्स एंड सी फेनोमेनन, ये वाला डेफिनेशन जो है स्पेशली ये तीनों क्रिएचर के लिए है परफेक्ट. लेकिन ये मत समझना कि मोमेंट मतलब ये तीनों के लिए ही ये है. मोमेंट मतलब आपका ये भी मोमेंट है, ये भी मोमेंट है. इस मोमेंट को बोलेंगे हैंड मोमेंट, इस मोमेंट को बोलेंगे हेड मोमेंट, इस मोमेंट को बोलेंगे आपके इस मोमेंट, आपके इस मोमेंट को बोलेंगे शोल्डर मोमेंट. आप चलते हो इस तरह, एक जगह से दूसरा, इसको बोलेंगे लेग मोमेंट, ठीक है. तो मोमेंट आपका लेग का भी हो सकता है, हेड का भी हो सकता है, सिर का भी हो सकता है, किसी का भी हो सकता है. बट ये जो डेफिनेशन है, इस स्पेशली जो इस मोमेंट का जो डेफिनेशन है स्पेशली, ये तीनों क्रिएचर के लिए है. ओके, ओके स्टूडेंट. सो बॉडी मोमेंट्स, लेट अस डिस्कस हाउ द बॉडी मोमेंट्स वर्क. लेट अस डिस्कस स्पेशली फॉर बॉडी मोमेंट्स. Body movements needs some systems. Okay, आपका जो body movements को system उसके लिए जरूरी है. जैसे कि body movements और body movements needs some system, so that एक work ये आपका अच्छे से काम करने के लिए कुछ movements चाहिए, कुछ system चाहिए. Specially होता है, first होता है energy. You know, this one is moment, hand moment. This one is moment. This one is moment. I am walking here, this is also a moment. तो आपको जो मोमेंट के लिए क्या है, मोमेंट का मतलब दैट इज ए वर्क. ये सुनो, दैट इज ए वर्क. मोमेंट मीन्स मोमेंट ऑफ हेड, इट इज ए वर्क. एंड यू नो फॉर वर्क, फॉर एवरी वर्क दैट नीड एनर्जी टू डू एनी टाइप ऑफ वर्क, टू डू एनी टाइप ऑफ वर्क और बॉडी नीड एनर्जी, दिस इज ऑल्सो वर्क. सो For any type of work,
बॉडी नीड एनर्जी, कि कुछ भी काम करने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। एनर्जी कहां से आएगा, खाना से आता है, ये सुनो। किस प्रोसेस से एनर्जी बनता है, रेस्पिरेशन प्रोसेस से बनता है। ओके, सो बाय हेल्प ऑफ न्यूट्रिशन प्रोसेस, बाय हेल्प ऑफ न्यूट्रिशन प्रोसेस क्या होता है, आपका बॉडी में फूड जाता है, आपका बॉडी में क्या जाता है, फूड जाता है। बाय हेल्प ऑफ न्यूट्रिशन प्रोसेस वी इनटेक फूड मटेरियल इनसाइड अवर बॉडी, एंड बाय हेल्प ऑफ रेस्पिरेशन प्रोसेस दिस फूड कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। बाय न्यूट्रिशन प्रोसेस वी इनटेक डिफरेंट टाइप ऑफ फूड मटेरियल इनसाइड अवर बॉडी एंड डाइजेस्ट दैट फूड मटेरियल, डाइजेस्ट दैट कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल इनटू सिंपल फूड मटेरियल, एंड by help of respiration process that simple food material converted into energy, and our body utilize that energy to do different type of activities, to do different type of activities that may be movement of hand, that may be movement of head, that may be any type of work. Okay, and so energy to aa gaya idhar se, but to do any type of movement first we need energy, second one is कंडीशन बिटवीन डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम एंड रिक्वायर्ड। आपका ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट के बीच में कंडीशन होना चाहिए। आपको बोन्स और मसल्स, बोन्स जो हड्डी है और जो मसल्स है, दोनों के बीच में कंडीशन होना चाहिए, कंडीशन होना चाहिए, तब जाके वर्क करेगा। हम लोग का ब्रेन और नर्वस सिस्टम, मसल्स, बोन्स, इस सभी में कंडीशन होना चाहिए, तब जाके आपका बॉडी मूवमेंट होगा। सो आपका सिंपली ये हैंड भी मूवमेंट कर रहा है, इसके लिए पहला क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। दूसरा, अपने इस हैंड में जो मसल्स है, जो बोन्स है, जो नर्वस सिस्टम है, वो प्रॉपरली कोऑर्डिनेट होके वर्क करना चाहिए, तब जाके ये मूवमेंट होगा, नहीं तो नहीं होगा। फर्स्ट एनर्जी भी होगा, अगर एनर्जी नहीं होगा तो मूवमेंट नहीं होगा। दूसरा, कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिफरेंट ऑर्गन्स, मतलब मसल्स, बोन्स एंड नर्वस सिस्टम, तीनों के बीच में कोऑर्डिनेशन होगा, तब जाके मूवमेंट होगा, तो तब भी नहीं होगा। ये दोनों में से कोई एक अगर नहीं होगा तो आपका मूवमेंट नहीं होगा, रिमेंबर दैट वन। ओके, ओके स्टूडेंट, सो लेट अस नो सम इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट बॉडी मूवमेंट्स, दैट मे बी हैंड मूवमेंट ऑफ हैंड, दैट मे बी मूवमेंट ऑफ लेग्स, दैट मे बी मूवमेंट ऑफ हेड। आपका मूवमेंट कैसे होता है, स्पेशल इन केस ऑफ ह्यूमन बींग्स। सपोज यहाँ पर मुझे मच्छर काटा, यहाँ पर मुझे मच्छर काटा, तो मैं क्या करता, तुरंत एक इधर का हाथ ले आके इसे थप्पड़ से मारता हूँ कि नहीं, यहाँ पर मुझे मच्छर काट रहा है तो मैं क्या करूंगा, इधर का एक हाथ उठाऊंगा, इसको मारूंगा, क्यों, ताकि वो मच्छर मर जाए और मुझको मेरे शरीर से जो खून पी रहा है उसको खून को पी ना सके, इसलिए मारता हूं। तो नेचुरली यहाँ पर एक टर्म है, डिसीजन अबाउट द मोमेंट इज मेड बाय द नर्वस सिस्टम डिपेंडिंग ऑन द स्टिमुलस। व्हाट इज नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम मींस इट इज अ सिस्टम व्हेयर वी इंक्लूड ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड न्यूरॉन्स। इट इज अ सिस्टम व्हेयर वी इंक्लूड ब्रेन्स, हमारा दिमाग, ब्रेन्स, स्पाइनल कॉर्ड एंड न्यूरॉन्स। आप हायर क्लास में पढ़ोगे तब जानोगे। इसमें आपका क्या आता है, ब्रेन आता है, स्पाइनल कॉर्ड आता है एंड न्यूरॉन्स आते हैं, तीन चीज आते हैं। आपका नर्वस सिस्टम तीन चीज को लेके बना हुआ है, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड न्यूरॉन्स, एंड ऑल दिस इंपॉर्टेंट पार्ट्स कंट्रोल होल बॉडी पार्ट्स। इस पर ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, न्यूरॉन्स, ये तीनों ही ऑर्गन हम लोग का बॉडी का हर एक पार्ट को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो जब को बॉडी में मूवमेंट होगा कि नहीं, हम लोग का बॉडी में मूवमेंट होगा कि नहीं, हाथ हिलेगा कि नहीं, सिर हिलेगा कि नहीं, इसका डिसीजन कौन लेता है, नर्वस सिस्टम लेता है, मतलब ब्रेन, कौन लेता है, ब्रेन, और समटाइम्स स्पाइनल कॉर्ड भी लेता है, ज्यादातर ब्रेन लेता है, कुछ कभी कभी स्पाइनल कॉर्ड भी लेता है डिसीजन मूवमेंट होगा कि नहीं। कब, जब कोई स्टिमुलस आया, मतलब कोई चीज आपको काट लिया या किसी चीज से आपको कुछ सेंस हुआ, सेंस हुआ मतलब कुछ लगा कि कुछ हो रहा है, तब जाके वो मोमेंट होता है, स्टिमुलस। स्टिमुलस मींस क्या होता है, स्टिमुलस मतलब क्या होता है, जब आप किसी चीज को महसूस करते हो, कुछ हो रहा है कहीं पर, और उसको आपको लगता है कि उस चीज को
आपको कोई भी जब आपको फील हुआ, आपको फाइव सेंस ऑर्गन है, आंख, कान, टॉन्ग, देन स्किन एंड एंड फास्ट या नोज, आइज, टॉन्ग, देन स्किन, फाइव सेंस ऑर्गन। जब आप आपका फाइव सेंस ऑर्गन से आप जान सकते हो कहीं पर कुछ हो रहा है, तो उसकी वो उसी को बोलते हैं स्टिमुलस। जब कहीं पर आपका स्टिमुलस हो रहा है, तब आपका ब्रेन डिसीजन लेता है कि आपको बॉडी को मूवमेंट करना चाहिए कि नहीं, आपका नर्वस सिस्टम डिसीजन लेता है करना चाहिए कि नहीं। जब ब्रेन डिसीजन नहीं देता तब तक आप बॉडी मूवमेंट नहीं हो सकता, ब्रेन डिसीजन देगा, ऑर्डर देगा, तब जाके इधर से ब्रेन आपको ऑर्डर देगा कि आपको बॉडी का मूवमेंट करो, तब जाकर बॉडी का मूवमेंट होता है। पहले आप कहीं पर स्टिमुलस आया, कहीं पर कुछ फील हो रहा है आपको, तो उसका जो मैसेज है ब्रेन में जाता है, ब्रेन उसको सोचता है, ब्रेन सोचने के बाद मैसेज भेजता है कि आपको क्या करना चाहिए, तब जाकर मूवमेंट होता है। जब ब्रेन ऑर्डर नहीं देगा मूवमेंट करने के लिए, तब तक आपका मूवमेंट नहीं होगा, याद रखना। देन सेकेंड इंपॉर्टेंट, द नर्वस सिस्टम देन डायरेक्ट ऑफ मस्कुलर एंड स्केलेटल सिस्टम ऑफ बॉडी टू मूव। द नर्वस सिस्टम देन डायरेक्ट ऑफ मस्कुलर एंड स्केलेटल सिस्टम ऑफ द बॉडी टू मूव। मस्कुलर सिस्टम मतलब, मस्कुलर सिस्टम मतलब आपका मसल्स, मसल्स। स्केलेटल सिस्टम मतलब बोन्स, आपका जो हड्डी है उसको बोलते हैं स्केलेटल सिस्टम, आपका मसल्स को बोलते हैं मस्कुलर सिस्टम, ठीक है। जब आपका जब ब्रेन सोच लिया कि आपको बॉडी को मूवमेंट करना है, बॉडी को मूवमेंट करवाना है, आपका इस हाथ को मूवमेंट करवाना है, तो क्या करेगा, उधर से ऑर्डर देगा, हाथ को, हैंड को ऑर्डर देगा। किस किस को ऑर्डर देगा, हैंड में जो मसल्स है मस्कुलर सिस्टम है, और हैंड में जो बोन है स्केलेटल सिस्टम, बोन ये मसल्स, ठीक है, मसल्स और बोन। आपका हैंड में जो बोन है, आपके हैंड में जो मसल्स है, मसल सिस्टम में जाता है वो, और बोन आपका स्केलेटल सिस्टम में जाता है। तो आपका ब्रेन किसको ऑर्डर देता है, हैंड को ऑर्डर देता है कि आप मूवमेंट करो, तब जाके वो हैंड मूवमेंट करेगा। जब तक ब्रेन ऑर्डर नहीं देगा तब तक आपका वो मूवमेंट नहीं करेगा। ब्रेन आपको ब्रेन ऑर्डर देता है आपका मसल्स को, आपका बोन्स को, तब जाके मूवमेंट करता है, ठीक है। ओके स्टूडेंट, लेट अस डिस्कस अबाउट सम इंपोर्टेंट मोमेंट्स इन आवर बॉडी। कुछ इंपोर्टेंट मोमेंट होते हैं हम लोग की बॉडी में, उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। फर्स्ट, द मोमेंट ऑफ टीथ एंड जो ड्यूरिंग द ईटिंग। आप जब खाना खाते हैं तो आपका जो टीथ है, दांत और जो मसूड़े, वो दो मोमेंट करता है। इसी की वजह से आपका जो खाना क्या होता है, जो खाना जो कॉम्प्लेक्स बड़ा बड़ा जो खाना रहता है वो छोटा छोटा पार्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ड्यू टू मोमेंट ऑफ टीथ एंड जो, योर बिग साइज फूड मटेरियल कन्वर्टेड इनटू स्मॉल स्मॉल साइज फूड मटेरियल। दैट इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट। सेकंड इंपॉर्टेंट, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन द बॉडी। आपका बॉडी में जो खून बह रहा है, इधर से उधर खून जा रहा है, आपके लेग में भी खून जा रहा है, आपका हाथ में भी खून जा रहा है, आपका हर एक पार्ट में खून इधर से उधर जा रहा है। दैट इज कॉल्ड सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन द बॉडी। ये भी क्या है, मूवमेंट है, ये भी क्या है, मूवमेंट है। किसका, ब्लड का, खून का मूवमेंट है। एक दूसरे से एक जगह से दूसरे जगह बॉडी में खून बह रहा है। सेकेंड वन, थर्ड वन इज मोमेंट ऑफ हार्ट मसल। आपका जो हार्ट में जो मसल्स है वो भी मूवमेंट करता है, धक 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 करता है। आप जान पाओगे, आप अगर आप हाथ के पास अपना हाथ को रखोगे तो जान पाओगे धक 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 करता है, ठीक है। देन अनदर मोमेंट ऑफ योर लाइट लीड्स। आपका जो पलक वो भी मूवमेंट करता है, देखो मूवमेंट क्या कहें, तो ये भी एक मोमेंट ही है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर सम इम्पोर्टेंट मोमेंट इन आवर बॉडी। सो स्टूडेंट, this is all about your body movements. If any doubt regarding today's topic, then call me, send messages.